बिग बॉस 17 मिड वीक इवेक्शन को लेकर फिलहाल बेहद ही ज्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। इस मिड वीक इवेक्शन से हर कोई हैरान रह गया है। घर में अचानक हुए इस एलिमिनेशन के बाद सोशल मीडिया स्टार अनुराग डोभाल का शो से पत्ता कट चुका है, जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और घर में अब जबरदस्त हंगामा खड़ा हो गया है। खबरें सामने आ रही है कि इस इवेक्शन से अनुराग और मेकर्स के बीच में बड़ा बवाल भी हो गया है। दरअसल बिग बॉस ने मिड वीक इवेक्शन में एलिमिनेशन की पावर घर के पुराने और नए कैप्टन को दी। इसके बाद ईशा मालविया ने आयशा खान, मुन्नवर फारूकी ने अनुराग डोभाल और औरा ने अभिषेक कुमार को नॉमिनेट किया। बिग बॉस ने सभी घरवालों से मिलकर तीनों में से किसी एक कंटेस्टेंट को बाहर करने का फैसला लेने के लिए कहा, जिसके बाद ज्यादातर कंटेस्टेंट ने अनुराग डोभाल का नाम ही लिया। एलिमिनेशन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद बिग बॉस ने शो से अनुराग डोभाल के बाहर जाने का ऐलान भी कर दिया। अनुराग डोभाल ने जैसे ही अपने इवेक्शन की खबर सुनी वो बुरी तरह से भड़क गए। गुस्से से बौखलाए अनुराग डोभाल की क्रिएटिव टीम से भी भिड़ंत हो गए। बिग बॉस 17 के फैन पेज बिग बॉस तक की खबर के माने तो अनुराग डोभाल ने अपने लिए स्टैंड लिया है और मेकर्स से जमकर झगड़ा किया। उन्होंने मेकर्स पर इल्जाम लगाया कि उनका एलिमिनेशन अनफेयर है, उन्हें वोट्स के आधार पर बाहर नहीं कर पाए तो इवेक्ट करने के लिए ये साजिश रची गई। अनुराग डोभाल ने यह भी दावा किया है कि अगर वो बिग बॉस 17 में अंत तक रहते तो विनर बनकर ही बाहर जाते। अनुराग ने शो से बाहर आने के बाद इंटरव्यू देने से भी इनकार कर दिया है। हालांकि बिग बॉस की क्रिएटिव टीम और अनुराग की पीआर टीम से बात कर रही है, क्योंकि ऐसा करना शो के कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है। हालांकि मेकर्स और अनुराग की तरफ से अभी ऑफिशियली तौर पर कोई ऐलान नहीं किया गया। जहां एक तरफ अनुराग को लेकर ये खबरें हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अनुराग के फैंस भी काफी आग बबूला है और बिग बॉस के मेकर्स पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अनुराग के फैंस का कहना है कि मेकर्स उन्हें वोटों के आधार पर बाहर नहीं कर पाए तो इस तरह से उन्हें बाहर करने की प्लानिंग की गई। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बिग बॉस OTT2 विनर एल्विश यादव ने भी अनुराग के एलिमिनेशन को अनफेयर बताया है और ट्वीट किया है। एल्विश ने अपने पुराने ट्वीट को रिट्वीट कर लिखा, वह बिग बॉस एल्विश ने अपने पुराने ट्वीट में ये बात पहले ही कह दी थी कि बिग बॉस किसी न किसी तरह अनुराग को शो से बाहर कर देंगे, क्योंकि वो जनता के वोटों के आधार पर तो इवेक्ट नहीं होगा। खैर, अब देखना तो ये है कि अब की अपने इवेक्शन पर खुद अनुराग सामने आकर कब बोलेंगे और क्या कुछ कहेंगे।